फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम कान्हा जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत से न्यू डिजाइन समर स्पेशल ड्रेस, साथ में ये पगड़ी भी बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को ये ड्रेस पहनाकर दिखाती हूँ। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है, मैंने एकदम सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकेंगे। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है adicultural_world268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कान्हा जी को ड्रेस पहना ली है और अब हम पगड़ी पहनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कान्हा जी को ये सुंदर सी ड्रेस पहनाई है और आप देख सकते हैं हमारे कान्हा जी इस ड्रेस को पहनकर कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए मैंने देखिए व्हाइट कलर के अस्तर में से दो पीस कट कर लिया है, साथ ही साथ मैंने नेट के फैब्रिक में से भी दो पीस कट कर लिया है। अब मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। तो इसकी देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो मैंने 3 इंच यानी कि 3 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी मैंने 3 इंच यानी कि 3 इंच रखी है। चारों तरफ से इसका मेजरमेंट मैंने एकदम बराबर रखा है, हमें चौकोर पीस कट करना है और चारों पीसेस का मेजरमेंट भी एकदम बराबर है। अब ये जो नेट का फैब्रिक है इसको हम अस्तर के फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। और कपड़े को हमें देखिए इस तरीके से रखना है। अब हमें यहां से लेके यहां तक सिलाई लगाकर दोनों पीसेस को आपस में जॉइंट कर लेना है। दोनों पीसेस में हमने नीचे से सिलाई लगा ली है, अब हम इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, ये जो हमने सिलाई लगाई है वो नहीं कटनी चाहिए, उसके पहले ही हम कट्स लगाएंगे। कट लगाने की वजह से इसको पलटने में भी आसानी होगी और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो कट लगाना स्किप ना करें, जरूर लगाएं। कट लगाने के बाद अब हमें इसको पलट कर सीधा कर लेना है। तो सीधा करने पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। अब हम इसमें लेस लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ये ब्लू कलर की लेस ले लिया, आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर लेस है और मार्केट में आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगी। पर अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे कोई भी लेस लगा सकते हैं, लेस लगाना ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा लें या फिर बिना लेस लगाए भी ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। देखिए हमने ये जो कपड़े को कट किया है ना, तो वो ऊपर की तरफ से दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने नेट का फैब्रिक यूज किया है। तो अब हम इसके ऊपर ये लेस रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेंगे, जिससे कि ये जो कपड़ा दिख रहा है वो भी ढक जाएगा और ड्रेस का लुक भी अच्छा लगेगा। लेस लगाने के बाद अब हम इसमें प्लेट डालेंगे। तो हमें यहाँ किनारे से मेजर करना है और 1.25 इंच यानी कि 1.25 इंच पे मार्किंग करनी है। इधर की तरफ से भी हम 1.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। मैं आपको बता दूं, देखिए ये 1 इंच है और ये 1.5 इंच है, तो इसके बीच का जो ये वाला हिस्सा है इसको हम 1.25 इंच यानी कि 1.25 इंच कहते हैं। दोनों तरफ से हमने 1.25 इंच पे मार्किंग कर ली है। अब इधर की तरफ से हमने ये जो मार्किंग की है, यहाँ से कपड़े को हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए हमें सेंटर में ला के रखना है। फिर इधर से जो हमने मार्किंग की, यहाँ से भी कपड़े को फोल्ड करके हम सेंटर में लेके आएंगे और हल्का सा देखिए एक के ऊपर एक करते हुए ऐसे रखेंगे। अब हमें सिलाई लगाकर इसको यहाँ से जॉइंट करना है। जॉइंट करने के बाद देखिए इसका शेप कुछ ऐसे आ जाएगा। अब ऊपर की तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट करके निकाल देंगे। बराबर कर लिया है हमने, अब सेम ऐसे ही हमें ये दूसरा पीस भी तैयार करना है। अब हम इन दोनों पीसेस को आपस में जॉइंट करेंगे। तो बीच में से हमें देखिए इसको एक के ऊपर एक करते हुए रखना है ऐसे, और ऊपर से लेके 1.25 इंच नीचे तक सिलाई लगाकर हम इसको जॉइंट करेंगे। दोनों पीसेस को सिलाई लगाकर जॉइंट करने के बाद अब देखिए कमर की जो टोटल चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच यानी कि 4 इंच रखी है। अब हम कमर पे बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट लगाने के लिए मैंने नेट के फैब्रिक में से एक पीस कट किया है और इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल चौड़ाई है वो मैंने 5 इंच यानी कि 5 इंच रखी है। और देखिए इसकी लंबाई जो है
वो मैंने 2.25 इंच यानी कि 2.25 इंच रखी है। हमें इस बात का ध्यान रखना है जितनी हम कमर की टोटल चौड़ाई रखेंगे उसे 1 इंच ज्यादा चौड़ाई हमें बेल्ट की रखनी है। तो कमर की टोटल चौड़ाई हमने 4 इंच रखी है, इसीलिए जो बेल्ट है इसकी चौड़ाई मैंने 5 इंच रखी है। अब हमें पहले किनारे से एक एक बार फोल्ड करना है और अब हम बीच में से भी फोल्ड करेंगे और एकदम बराबर करते हुए रखेंगे। बराबर करके रखने के बाद हमें कमर पे रखना है फैब्रिक को और सिलाई लगाकर यहाँ से यहाँ तक हम जॉइंट करेंगे। सिलाई लगा के बेल्ट जॉइंट करने के बाद अब ये जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकालेंगे। थोड़ी सी जगह हमें छोड़ देनी है, ध्यान रखना हमें। देखिए सिलाई से हमने गैपिंग दे के एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया है, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और अब बेल्ट को हम ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और धोती को पलट कर हमें पीछे की तरफ से रखना है। अब मैंने यहाँ पे ये सिल्वर कलर की रेडीमेड डोरी में से एक पीस कट कर लिया है, आप खुद से डोरी बनाकर भी लगा सकते हैं। हमें देखिए इस तरीके से रखना है डोरी को एकदम सेंटर में और नेट का जो फैब्रिक है इसको हम एक बार फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करते हुए अब हमें नीचे से सिलाई लगाकर बेल्ट जॉइंट करनी है, क्योंकि अगर हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे तो डोरी हमने देखिए यहाँ एकदम सेंटर में रखी है, ऊपर से सिलाई लगाने की वजह से डोरी जॉइंट हो जाएगी, इधर उधर खिसकेगी नहीं और कान्हा जी को ड्रेस पहनाने में प्रॉब्लम होगी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि डोरी जॉइंट नहीं होनी चाहिए। एकदम नीचे की तरफ से सिलाई लगाकर बेल्ट भी जॉइंट कर लिया है और नीचे से सिलाई लगाने की वजह से डोरी जॉइंट नहीं हुई है, इसको देखिए हम इजीली इधर उधर खिसका सकते हैं। अब कान्हा जी के लिए धोती बनकर बिल्कुल तैयार है, हम चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए भी मैंने नेट के फैब्रिक से एक पीस कट कर लिया है और इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो मैंने 6 इंच यानी कि 6 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच यानी कि 2 इंच रखी है। अब हमें कपड़े को एक बार ऊपर से फिर एक बार नीचे से फोल्ड कर लेना है। अब हम बीच में से भी फोल्ड करेंगे और बराबर करके रखते हुए सिलाई लगाकर पट्टी तैयार कर लेंगे। पट्टी तैयार करने के बाद अब जिधर से हमने सिलाई लगाई है उधर की तरफ से ही हम इसमें लेस भी लगा लेंगे। सिलाई लगा के हमने लेस भी लगा ली है, अब हम चोली को पलट कर पीछे की तरफ से रखेंगे और जिधर से हमने लेस लगाई है वो वाली साइड नीचे की तरफ होनी चाहिए। अब एकदम सेंटर से हमें इसको फोल्ड करना है, तो आप चाहें तो इस तरीके से मोड़ के और सेंटर में मार्किंग भी कर सकते हैं। अब देखिए हमने ये जो मार्किंग की है यहाँ से एक बार हम ऐसे फोल्ड करेंगे फिर एक बार इधर की तरफ से फोल्ड करेंगे। जो दोनों तरफ से फोल्ड करने के बाद हल्का सा हम नीचे से एक के ऊपर एक करते हुए रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। और हमें धोती ले लेनी है, धोती में एकदम सेंटर में हमें चोली को रखना है। अब हम इस बात का ध्यान रखेंगे जहाँ से सिलाई लगाकर हमने बेल्ट जॉइंट की थी वहीं से सिलाई लगाकर हम चोली को भी जॉइंट करेंगे, जिसे डोरी जॉइंट ना हो। पीछे की तरफ से हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है जिसे कि जॉइंट करने में आसानी रहेगी। हमने चोली भी जॉइंट कर ली है और नीचे से सिलाई लगाई है, तो देखिए डोरी अभी भी जॉइंट नहीं हुई है। अब कान्हा जी के लिए ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है, हम पगड़ी बनाएंगे। तो पगड़ी बनाने के लिए भी मैंने व्हाइट कलर के नेट के फैब्रिक से एक पीस कट कर लिया है और इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो मैंने 6 इंच यानी कि 6 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच यानी कि 3 इंच रखी है। अब हम इसको भी फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे जैसे कि हमने चोली में ऊपर नीचे से और फिर बीच में से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाई थी, वैसे ही हमें इस पे भी सिलाई लगाकर पट्टी तैयार कर लेनी है। हमने देखिए पट्टी तैयार करके और इसमें दोनों तरफ से लेस लगा लिया है, अब हम सेंटर से ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके आपको कान्हा जी के सिर के साइज के हिसाब से रखना है इसको, या फिर आप चाहें तो कान्हा जी को पहना के मेजर भी कर सकते हैं। मैंने देखिए यहाँ पे कान्हा जी को ले लिया है और ऐसे हम पहना के मेजर कर लेंगे, जो भी साइज आता है उसके हिसाब से आप इसको छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। ऐसे करके आप इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं या फिर ऐसे थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। तो आप पहना के मेजर कर ले कान्हा जी को, जो साइज आता है उसके हिसाब से। अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम ऐसे पीछे की तरफ फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करते हुए इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब देखिए कान्हा जी की पगड़ी बनकर भी बिल्कुल तैयार है।